हे गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप Redmi Note 12 4G मोबाइल में आप किस तरीके से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को इनेबल कर सकते हो। तो गाइस, यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इनेबल करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको जाना है सेटिंग में, एंड सेटिंग में आ जाने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो एक ऑप्शन मिल जाएगा होम स्क्रीन। तो आपको होम स्क्रीन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इस तरीके से मिल जाएगा। सॉरी गाइस, आपको होम स्क्रीन पर नहीं आना है, आपको आना पीछे यहाँ पर डिस्प्ले पर, तो डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे या फिर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पर दिख रहा है इस पर क्लिक कर देंगे। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट नंबर पे एक ऑप्शन आ रहा है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपका डिसेबल होगा, तो आपको इसको इनेबल कर देना है। इसको इनेबल करते ही गाइस यहाँ पर जो है आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो इनेबल हो जाएगा। अब नीचे यहाँ से सेट भी कर सकते हो कि किस तरीके से आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिखाई देना चाहिए, तो इसको आप अगर अप्लाई कर देंगे तो इसी तरीके से आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिखाई देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखोगे तो आप इस तरीके से आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इस तरीके से दिखाई देगा। तो गाइस, इस तरीके से आप इसको इनेबल कर सकते हैं।